बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का ध्वज फहराएंगे। इसके कवि सोहन लाल द्विवेदी हैं। इस कविता में कवि बच्चों के मन की इच्छा बता रहे हैं कि बच्चे अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहते हैं और वे कितने निडर और साहसी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। इन पंक्तियों में कवि के माध्यम से बच्चे कह रहे हैं कि वे नन्हे नन्हे अर्थात छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि नादान अर्थात अबोध हैं, मासूम हैं, उम्र और साल में भी बहुत छोटे हैं, लेकिन वे अपनी धुन के सच्चे अर्थात जो वे अपने देश के लिए करना चाहते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। जननी अर्थात जन्म देने वाली, यहाँ इसका संबंध बच्चों भारत माता से है। वे कह रहे हैं कि वे भारत माता का जयगान करेंगे और भारत के ध्वज को फहराएंगे अर्थात भारत देश को आगे बढ़ाएंगे। हम अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। बच्चों, इन पंक्तियों में बच्चे कह रहे हैं कि वे अपना पथ अर्थात रास्ता, रास्ता कौन सा, सच्चाई का रास्ता, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, किसी से भी कभी नहीं डरेंगे। हिम्मत अर्थात साहस से सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। वे आगे कह रहे हैं कि वे हिमगिरी अर्थात बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे और भारत का देश का नाम सदा ऊंचा करेंगे। हम भय से कभी ना डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, साहस की बोली बोलेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, भारत का ध्वज फहराएंगे। इन पंक्तियों में बच्चे अपनी इच्छा बता रहे हैं कि वे भय अर्थात डर के सामने कभी नहीं झुकेंगे, दुश्मनों का सामना साहस से करेंगे, पग आगे सदा बढ़ाएंगे, पग अर्थात अपने कदम सदा अर्थात हमेशा आगे बढ़ाएंगे और भारत के ध्वज को फहराएंगे, यानी कि अपने देश को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सबको अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। तो चलिए अब कुछ शब्द अर्थ पढ़ते हैं जो कि इस कविता में आए। नादान, जिसका अर्थ है बच्चों अबोध या मासूम भी कह सकते हैं। उम्र, जिसका अर्थ उम्र या हम साल भी कहते हैं। धुन का अर्थ है लगन। जननी, जन्म देने वाली या हम उसे माँ भी कहते हैं, लेकिन इस कविता में जननी का अर्थ भारत माता से था। ध्वज, जिसका अर्थ है झंडा या पताका भी कहते हैं। पथ, रास्ता या मार्ग कह सकते हैं। प्रण, प्रतिज्ञा या वायदा करने को कहते हैं। हिमगिरी, बर्फ से ढका हुआ पहाड़ या हम इसे हिमालय पर्वत भी बोलते हैं क्योंकि हिमालय पर्वत पे हमेशा बर्फ रहती है। भय, भय का अर्थ है बच्चों डर। डोलेंगे, अपने निश्चय से हटना या विचलित होना। पग, पग का अर्थ है कदम। सदा, सदा का अर्थ है हमेशा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। अब आप इस कविता को अच्छे से याद भी करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।